Hey yeah, what's up everybody? Welcome or welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a CA final student. So in my last video, thank you so much for showing so much of love on that video. Us video mein maine bataya tha, can you still clear your CA intermediate if you start from scratch today? And उसी वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए कि दीदी कैन यू ऑल्सो शेयर अ सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉर ग्रुप टू. सो उस वीडियो में मैंने सिर्फ ग्रुप वन इंटरमीडिएट की बात करी थी. इस वीडियो में आई बी शेयरिंग अ सिमिलर स्ट्रैटेजी टू कवर अप योर इंटायर सिलेबस इवन इफ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फ्रॉम स्क्रैच हाउ टू कवर मैक्सिमम पॉसिबल सिलेबस. सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली फॉर ग्रुप टू. दिस विल गिव यू अ क्लियर गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए और किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. सो वील बी डूइंग एवरीथिंग सब्जेक्ट वाइज. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट आई हैव एन अनाउंसमेंट. कल मतलब 28th ऑफ फेब्रुअरी इज द लास्ट डे टू अवेल दिस ऑफर ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन CA इंटरमीडिएट. अगर आप कल तक रजिस्टर करते हो यूजिंग माई कोड ISHA, यू विल गेट 3 फ्री मंथ्स एक्सटेंशन एंड 20% ऑफ एज वेल. सो यूज माई कोड ISHA एंड अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट. यू विल गेट 12 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लस 3 मंथ्स फ्री एट 27,720 एंड 18 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लस 3 मंथ्स फ्री एट 34,320 रुपीज. सो द फर्स्ट सब्जेक्ट इन द ग्रुप इज एडवांस अकाउंटिंग. सो एडवांस अकाउंटिंग में द बेस्ट स्ट्रैटेजी कुड बी क्लबिंग अ फ्यू सब्जेक्ट्स एंड ग्रुपिंग देम. जैसे आप शुरू के दो चार चैप्टर्स या जो सिमिलर जैसे चैप्टर्स हैं उनको ग्रुप करो. ठीक है, ग्रुप करो एंड ग्रुप कर करके पढ़ो. ग्रुप कर करके पढ़ने से क्या होगा, आप हमेशा उस ग्रुप को रिवाइज कर पाओगे. तो मैंने ऐसे ही किया था, मैंने ग्रुप्स बनाए थे. तो आई थिंक मैंने जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें से दो ग्रुप्स बनाए थे, पहले 4 चैप्टर्स के और नेक्स्ट जितने चैप्टर्स थे मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट मैंने ग्रुप्स बनाए थे. फिर मैंने सेकंड मॉड्यूल्स के भी ग्रुप्स बनाए थे और फिर जो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके लिए स्पेसिफिकली सिर्फ स्टडी मटेरियल ही रेफर किया था. सो एज यू नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कम फॉर 20 मार्क्स एंड दैट इज दैट कैन गिव यू लाइक इनफ टू क्लियर द एंटायर पेपर. सो एडवांस अकाउंटिंग इज वन ऑफ दोज पेपर्स जहाँ सब मोस्टली एग्जेम्पशन के लिए पढ़ते हैं, बट मैंने इस पेपर को सिर्फ 40 मार्क्स के लिए पढ़ा था. यस, सो एडवांस अकाउंटिंग मैंने जो चूज़ किया था दैट वाज ओनली फॉर 40 मार्क्स, 40-45 मार्क्स, बिकॉज आई न्यू कि ये थोड़ा सा इजीली कंपैरेटिवली मार्क्स फेचिंग है, तो इसमें 40-45 मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे. बट अगर आप जो वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ऑडिट है, EIS है, अगर इसमें आप 40-40 का टारगेट रखिएगा तो उसमें 40-40 आना थोड़ा मुश्किल है. तो इन दोनों सब्जेक्ट को मैंने स्पेसिफिकली 60 प्लस मार्क्स के लिए पढ़ा था. सो अगर मैंने इन दोनों सब्जेक्ट को 60 प्लस के लिए पढ़ा था तो मेरे इसमें 55-55 अराउंड आए थे ऑडिट और EIS SMA. सो ये मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी. आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बना सकते हो. सो मैंने अकाउंटिंग जो एडवांस अकाउंटिंग है उसमें मैंने पूरा AS करा था 20 मार्क्स का एंड दो ग्रुप्स बनाए थे, चार चार सब्जेक्ट्स के, चार चार टॉपिक्स के, वो मैंने दो ग्रुप्स को अच्छे से करा था. सो आई प्रिपेयर्ड माय एडवांस अकाउंट्स फॉर 50 मार्क्स जिसमें से 40-45 मुझे आ गए थे एग्जाम में. एंड नेक्स्ट गेम ऑडिटिंग. तो ऑडिट का जो बेस्ट तरीका है दैट इज टू ओनली स्टडी द स्टडी मटीरियल. आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड दिस ऑन माई चैनल. ऑडिट का जो रामबाण कहते हैं ना वो है स्टडी मटीरियल. स्टडी मटीरियल पढ़ना बैक टू बैक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर ऑडिट एंड जितने थियोरी सब्जेक्ट्स हैं EIS SM इनमें. तो ऑडिट का मैंने बेस रखा था स्टडी मटेरियल. सो मैंने चैप्टर का जो है क्या किया था, पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस में डिवाइड किया था. सपोज एक चैप्टर है उसमें 10 सब टॉपिक्स हैं, तो हर सब टॉपिक का मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम कर लिया था कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आएगा, या लगभग ऐसा क्वेश्चन आएगा. ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो लगभग ऐसा आएगा. तो मैंने एक चैप्टर को क्वेश्चंस में डिवाइड किया था. यस, सो दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू स्टडी ऑडिट. आपने अगर मेरे CA फाइनल के ऑडिट के किसी रिविजन वीडियो को देखा होगा, आई पुट इट इन द आई बटन. एक बार गो थ्रू कर लेना, ऑल द फाइनल का कुछ समझ नहीं आएगा लेकिन आप गो थ्रू कर लोगे तो मैंने उसमें समझाया कि मैंने कैसे क्वेश्चन फ्रेम करा था. सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर ऑडिट इज फ्रेमिंग क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. आप उस टॉपिक को पढ़ो एंड ये सोचो कि इससे क्या क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं. दैट इज हाउ आई डिड ऑडिट. मैंने सब कुछ स्टडी मटेरियल से किया ऑडिट का. आई थिंक उसमें 3 मॉड्यूल्स, 2 मॉड्यूल्स और एक प्रोनाउंसमेंट्स है. तो इंड एस के लिए भी मैंने जो है वो रेफर तो कर लिए, सॉरी इंड एस नहीं,
एसेज के लिए, वो फाइनल की चीज़ें आ जाती है. एसेज के लिए मैंने ऑल दो टीचर्स के नोट्स रेफर कर लिए थे, बट जब मैं फाइनल में आई तो मैंने एसेज भी प्रोनाउंसमेंट से किया था, ICI के प्रोनाउंसमेंट से. एंड प्रोनाउंसमेंट से ही करना ज़्यादा बेस्ट होगा. तो अगर आपके पास टाइम रहता है तो जो भी आपके एसेज के नोट्स हैं उसको एक बार प्रोनाउंसमेंट से मैच कर लेना, या कोई ऐसा देख लेना जहाँ पे नोट्स बिल्कुल प्रोनाउंसमेंट से ही बने हुए हैं. ठीक है, अगेन द बेस्ट वे इज आप स्टडी मटेरियल को रिपीटेडली करते जाओ. अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, विच इज SM एंड EIS. अब EIS SM में मैंने SM को अपना बहुत स्ट्रांग बनाया था. अगेन SM इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट EIS इज टू बी ऑनेस्ट इज डिफिकल्ट टू बी लर्न्ड. EIS को याद रखना और उसको रिमेंबर करके रखना इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो EIS और SM के लिए मैं ये कहूँगी कि SM को आप बहुत अच्छे से तैयार करो, बहुत अच्छे से. इनफैक्ट EIS SM इस पेपर को आप एग्जेम्पशन के लिए तैयार करो. सो अगर आप इसको एग्जेम्पशन के लिए तैयार करोगे तो यह आपको 45-50 मार्क्स पक्का दे देगा, क्योंकि यही एक वो सब्जेक्ट है जो आपको रोकता है, यही वो सब्जेक्ट है जो रोकता है. एंड ऑडिट ऑफ कोर्स, यही दो सब्जेक्ट्स है जो रोक देते हैं. द बेस्ट तरीका ये है EIS SM का. SM को तो चैप्टर वाइज करो यार स्टडी मटेरियल से. एंड उसके जो केस स्टडीज आते हैं वो क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं दो तीन चैप्टर्स से. सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ केस स्टडीज, स्पेसिफिकली 3 RTPs और 3 MTPs करके जाना बहुत ज़रूरी है फॉर EIS SM. ठीक है, मतलब SM में ऐसा भी नहीं आता कि एकदम ही नया केस स्टडी बन के आता है, 8 ही तो चैप्टर्स है, कितने नए क्वेश्चंस बन पाएंगे उसमें से. सो फॉर दैट अगेन पास्ट ईयर के क्वेश्चंस बहुत आपको हेल्प करेंगे. EIS के लिए यू विल हैव टू लर्न द थिंग्स, कुछ मतलब समझ आए ना आए उसे याद करना है. इट्स अबाउट, क्या वर्ड बोलूँ, वो बिल्कुल आपको वर्ड टू वर्ड मैक्सिमम जितना याद कर सकते हैं आप याद करो. चाहे मेमोरी टेक्निक्स बनाओ, मेमोरी ट्रिक्स यूज करो, वट एवर पॉसिबल वे यू जस्ट डू इट फॉर EIS. ठीक है, द लास्ट सब्जेक्ट इज FM एंड ECO. FM में भी देयर थियोरी क्वेश्चंस दैट कम, सो डू नॉट मिस आउट दोज पार्ट्स जहाँ से आपको थियोरी के फ्री मार्क्स मिल सकते हैं FM में. ठीक है, FM में कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के साथ वो खेलते हैं FM में. बट इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो सिर्फ स्टडी मटेरियल के छापे हुए क्वेश्चंस होते हैं. स्टडी मटेरियल के उठाए हुए पार्ट को ही क्वेश्चंस फ्रेम करके आया जाता है इकोनॉमिक्स में. सो मेक श्योर इकोनॉमिक्स के लिए आप स्टडी मटेरियल बैक टू बैक पढ़ के ही जाए. सो दिस वे द ओवरऑल स्ट्रैटेजी. अब मैं ये बताती हूँ किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए. सो यू आर जस्ट लेफ्ट विद एंटायर ऑफ मार्च एंड एंटायर ऑफ अप्रैल. सो इवन इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे, आई एम वेरी श्योर यू हैव इनफ टाइम. बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है. बस ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है. बस ये सोचना अगर छोड़ दोगे ना कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, बस बात यहीं बन जाएगी. यू हैव इनफ टाइम. आज से भी अगर ऑडिट स्टार्ट करते हो, तुम डेली 1 घंटे और ऑडिट को दे रहे हो स्टडी मटेरियल करने के लिए. स्टडी मटेरियल करते जाओ डेली 1-1 घंटे करते जाओ, या 2-2 घंटे करते जाओ. तुम डेली अगर 1 घंटा SM को दे रहे हो, SM की तो मैंने सारी स्टडी मटेरियल से ना वीडियो पढ़ा के ऑलरेडी डाल रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है. ठीक है, SM को अगर आप बार बार स्टडी मटेरियल से रिवाइज कर रहे हो, 8 दिन में स्टडी मटेरियल SM का खत्म हो जाएगा. 1 day 1 chapter मैक्सिमम 10 दिन में, 10 दिन में स्टडी मटेरियल खत्म हो सकता है अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ोगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को. और EIS को भी आप 5-6 दिन में एक रिविजन कर जाओगे, तो दोबारा तिबारा करते रहना पड़ेगा. ठीक है, प्रॉब्लम आएगी कहाँ, एडवांस अकाउंट्स थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि आपको AS भी पढ़ना है, बहुत सारे चैप्टर्स भी पढ़ने हैं. और FM ECO में अगेन ECO वाला पार्ट आप इजीली कवर अप कर सकते हो. आई थिंक हार्डली 5-6 चैप्टर्स आर देयर इकोनॉमिक्स में, तो आप उसको पिकअप करके बैक टू बैक पढ़ते जाओ डेली 1-1 चैप्टर. बहुत आराम से 2-3 महीने में 2 से 2 महीना 10 दिन में आराम से कवर हो जाएगा. और स्क्रैच का मतलब ये तो नहीं ना कि बिल्कुल आज ही फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आपने किया ही होगा. बिलीव मी हो सकता है, क्योंकि मैंने अपना Group 2 एग्ज़ाम भी BCom के सेमेस्टर के साथ दिया था, और मैं रेगुलर कॉलेज में थी, मुझे 75% अटेंडेंस ज़रूरी था. प्लस मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में एक्टिव थी, मैं कल्चरल सेक्रेटरी थी, डांस की प्रेसिडेंट थी, और ये सारी चीज़ों में थी, तो मुझे कॉलेज जाना वॉज कंपल्सरी. एंड आई स्टार्टेड अगेन प्रिपेयरिंग फॉर Group 2 लास्ट के दो महीने में. And it did happen. Again, strategy अच्छी use करो, study material को base बनाओ, and RTP, MTP जितनी कर सकते हो करो. बस यही मैं कहूँगी.
होप खोने की कोई बात नहीं है. एंड ऑल्सो इन दी एंड शाउट आउट टू माई ब्रदर पार्थ किशन बिकॉज ही गिफ्टेड मी दिस. अगर आपने मुझे लिंक्डइन पे फॉलो किया होगा तो मुझे पता होगा, आपको पता होगा कि उन्होंने मुझे एक ये टी शर्ट गिफ्ट करी है माई सी ए वर्ल्ड ईशा वर्मा कस्टमाइज करके. एंड दिस इज सो स्वीट ऑफ हिम. सो दैट इज इट अबाउट द वीडियो. इफ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप्स. आप इफ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप्स. If you liked it, give it a thumbs up and ज़रूर बताना कि next video कौन सी चाहिए. ये मैंने एक आपकी wish list में से एक video ख़त्म कर दी. That was CA Intermediate Group 2 preparation कैसे कर सकते हैं. Subject wise, maybe I'll be coming up next with audit का because वो सबसे ज़्यादा demanded है audit का. And another one with taxation कि मेरी 71 taxation में कैसे आए थे intermediate में. So these two topics I'll be coming up next. Okay, bye everyone.